नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। 2014 से अब तक आपने मोदी जी के गुणगान की महिमा के बारे में समाचार में देखा और सुना होगा। कई बार उनके विषय में ये कहा गया कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनकी समझ अद्भुत है। वो राजस्व का स्टेमिना है। वो पाकिस्तान और चीन के खिलाफ बड़ी ही मजबूती से जवाब दे सकते हैं। उनका एकमात्र मकसद है कि वो हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं। वो देश के प्रति इतने जिम्मेदार हैं, इतने जागरूक हैं कि शायद वो रात को सोते भी नहीं हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री देश का विकास करेंगे। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ पर हमें अपनी बातों को रखने का, अपनी बातों को बोलने का पूर्ण अधिकार है, जिसको कलकत्ता के एक अखबार यानी कि न्यूज़पेपर द टेलीग्राफ ने बड़ी ही बखूबी तौर पर निभाया भी है। इतना ही नहीं, 2012 से 14 के बीच आए दिन न्यूज़ चैनल्स पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए रोज बहस की जाती थी, जिसमें ये कहा जाता था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश के भ्रष्टाचारी नेता हैं, वो देश के प्रति जिम्मेदार नहीं है, जिसके लिए उन्हें अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज वो सारी बहसें जो समय पर हुआ करती थी, वो बहसें कहाँ गई? आज मीडिया के सभी लोग अपने धर्म का त्याग क्यों करते जा रहे हैं? आज मोदी जी से कोई ये क्यों नहीं पूछता कि मोदी जी अब तक आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने कोरोना के प्रति कोई जवाबदेही दिखाई? क्या 3,000 करोड़ की मूर्ति का बनना जरूरी था, या फिर सेंट्रल विस्टा का बनना भी जरूरी था? उनसे कोई ये क्यों नहीं पूछता है कि कोरोना को लेकर उनके पास क्या प्लान है? और प्लान तो छोड़िए, क्या मोदी जी आपके पास कोरोना को लेकर कोई डाटा है? नहीं। स्वास्थ्य विभाग को कोरोना की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी स्कूल्स और कॉलेजेस बंद करा दिए गए। लेकिन चुनाव विभाग ने अब तक अपने किसी भी चुनाव को बंद नहीं करवाया। उल्टा बंगाल में जाकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिना मास्क पहने चुनाव और चुनाव की रैलियां कर रहे हैं, क्यों? ये सवाल मीडिया को उनसे पूछना चाहिए। कलकत्ता का एक न्यूज़पेपर है द टेलीग्राफ। ये एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो अभी भी इस सिचुएशन में अपने फर्ज को भूला नहीं है, जहां पर सभी मीडिया ने सत्ता से और सरकार से प्रश्न पूछना बंद कर दिया है, वहीं पर ये एक ऐसा अखबार है, ये एक अकेला ऐसा अखबार है जो अपने फर्ज को भूला नहीं है और सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए, उनको जिम्मेदार बनाने के लिए बार बार उनसे प्रश्न पूछता है। टेलीग्राफ में एक आर्टिकल छपा जिसका नाम था ब्रेकिंग द थर्मामीटर। इस आर्टिकल को रुचिर जोशी ने लिखा, मैं माफी चाहूंगी, रुचिर जोशी ने लिखा, और बड़ी ही सरलता से और मजबूती से उन्होंने इस आर्टिकल में अपनी बात को बड़ी ही अच्छी तरीके से कहा है। उन्होंने कहा है कि साफ साफ ये कहना होगा, नरेंद्र मोदी को जाना होगा, योगी आदित्यनाथ को जाना होगा और अमित शाह को जाना होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है इस आर्टिकल में कि ईमानदार रहित जिन असक्षम लोगों को मंत्री के तौर पर मोदी जी ने अपने इर्द गिर्द जमा कर रखा है, उन लोगों को जाना होगा। हमारी अपनी जमीनी रक्षा और देश को फिर से पटरी पर लाने के लिए एक विशाल ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए सत्ता के इन लोगों की फौरन विदाई जरूरी है। इस आर्टिकल में इन्होंने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि ये पूछना चाहते हैं कि इस चीज के लिए देश में अभी जो सिचुएशन चल रही है, देश की जो अभी स्थिति है कि लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोग कोरोना से मर रहे हैं, तो उस चीज के लिए जिम्मेदार आखिर है कौन? उन्होंने इतना ही नहीं, ये भी कहा कि कल बहुत देर हो जाएगी, कल होता तो बेहतर होता। और अंत में उन्होंने अपने आर्टिकल में अंतिम पंक्तियों को आर्टिकल के इस अंत के साथ खत्म किया कि उन्होंने कहा है कि फ्रेंच में ये कहते हैं कि जब बुखार ना उतरे तो थर्मामीटर ही तोड़ देना चाहिए। मैं ये पूछना चाहूँगी कि कोरोना की ये जो स्थिति चल रही है, आए दिन बहुत से लोग मर रहे हैं, जिसमें सही डाटा सरकार को छोड़ो मीडिया से भी नहीं मिल रहा है, इस चीज़ के लिए, इस देश में जो स्थिति चल रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए हमारी सरकार जिम्मेदार है या सिस्टम जिम्मेदार है? इस चीज के लिए हमारा वो
जिम्मेदार है, भारत का वो मीडिया जिम्मेदार है जो विभक्त बनने के स्थान पर अभी भी भक्त बना बैठा है, या फिर आम जनता के तौर पर हम जिम्मेदार हैं? सवाल वही है कि जिम्मेदार आखिर कौन है। धन्यवाद।